हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले क्या हाल चाल है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिश मार्केट में और जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मैंने एक फिश टैंक बनाया है जिसमें दो पार्टीशन है, एक तो कछुए का है ऊपर और एक नीचे मछलियों का है। तो यही दो चीजें लेने के लिए इस वक्त मैं इस मार्केट में आया हुआ हूँ और भाई साहब मैंने यहाँ जो जो चीजें देखी मजा आ गया देखकर, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना वीडियो बनाई जाए इन चीजों की और आप लोगों को भी दिखा के मजे कराया जाए। चलो तो मेरे साथ घूमो फिरो इस मार्केट में और एंजॉय करो। तो सबसे पहले मेरी नजर पड़ी इस झींगे पर और भाई साहब क्या खूबसूरत है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत बनाया इस झींगे को। इस झींगे को देखने के बाद तो आपके भाई ने सोचा कि भाई साहब बाढ़ में गया टर्टल और फिश, अपन झींगा ही पालेंगे, झींगा ही पालेंगे। वो तो बाद में झींगे का रेट सुनने के बाद पता लगा भाई साहब 10,000 का पेयर है। अपन ने बोला चलो ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। फिर हम पहुंच गए इन बेबी टर्टल के पास। अब वैसे तो हमने बहुत सारे अलग अलग नस्लों के बेबी टर्टल देखे हैं वहाँ पे, लेकिन हमें जो चाहिए थे वो ये वाले थे, एक तो ये वाले और दूसरे ये वाले। तो हमने इन दोनों में से एक एक अलग अलग जोड़े ले लिए। अब सबसे पहले तो मैंने एक पेयर इन मछलियों में से लिए थे जिनका मुझे नाम तो फिलहाल नहीं पता, लेकिन जहाँ तक कि मेरा अंदाजा था कि ये शायद बॉक्स फिश होंगे, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि नहीं ये बॉक्स फिश नहीं है। तो मेरा अंदाजा लगा कि शायद ये वो वाली मछलियाँ होंगी जो अपने पेट नहीं फुला लेती, वो बड़ा सा, अरे वो 9 महीने वाला पेट नहीं, ऐसे ही नॉर्मली जो पेट फुलाती है मछलियाँ वो समझ रहा था, लेकिन भाई साहब पता लगा नहीं ये वो दोनों ही नहीं है, तो ये कुछ और ही निकली। फिर हमने लिए एक पेयर इनमें से। अब हमारा असल में माइंड ये था कि हम ऐसी मछलियाँ लें जो लोगों ने इतनी देखी नहीं हो, जो यूनिक और बिल्कुल ही अलग हो। तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लगा, बिल्कुल यूनिक सा, तो हमने एक पेयर इसमें से ले लिए। फिर हमने इनमें से लिए दो पेयर। असल में हमें सस्ते पड़ गए थे इसलिए हमने दो पेयर ले लिए और मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे जब मैंने इनमें से दो पेयर ले लिए। फिर इनके बाद हमने फिलहाल और मछली तो नहीं लिए क्योंकि भाई साहब इनमें ही हमारे 5,000 रुपए कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, इतने खर्च हो गए, 5,000 रुपए उड़ गए ये कुछ ही जोड़े में, तो हमने कर दिए बस। लेकिन इनको देखो, ना जाने इनको क्या हुआ, हम जब से वीडियो बना रहे तब से हमें देख ही रहे तो पता नहीं आप उसमें क्या गुडर 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 कर रहे हैं।
अबे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? भाई हटो, मुझे तो वीडियो के सामने आना है। वीडियो बाबू मेरे को लगता है ये हमारी वीडियो बनाएगा और यूट्यूब में डाल देगा शायद। फिर क्या होगा भाई? जरा इतना देखो ये कौन है। अबे ये तो राइजी है भाई। राइजी भाई कैसे हो, कैसे हो भाई, कैसे हो? अजी सुनते हो, ये तो उंगली कर रहे हैं हमें। अबे राइजी भाई जहाँ उंगली करना है वहाँ ना कर दिया, तुम यहाँ कर दिया। अब मैं आपको वो मछलियाँ दिखाता हूँ जो हमने फिलहाल लिए तो नहीं है लेकिन देखे है और हमने रिकॉर्डिंग करे जिनकी, जो मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। अब उनको देखो और एंजॉय करो। तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में अपने फिश टैंक की पूरी सेटअप की वीडियो बना के अपलोड करेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी चेकआउट करना और ये भी देखना। और उसके बाद हमने जो ए टू जेड एक्वेरियम टैंक बनाया है उसकी भी वीडियो देख लो, मैं आई बटन और स्क्रीन में देख दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो। हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए। अरे कर दो ना, मत शर्माइए। हाँ हो गया, चलो अब जाइए।